बोलिया चालिया माफ कर जो महरा राणा रायचंद्रे। आज भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत की मंगनियार महिलाएं जब यह गीत गाती है तो अपने राणा जी को याद कर उनका गला भर जाता है। अगर आपको मालूम हो तो शिमला समझौता और यह गीत एक साथ लिखे गए थे। इस कहानी के बाद मैं आपको एक पछतावे के साथ छोड़ जाऊंगा, उसके बाद आप ही तय करना कि छाछरो हवेली से तिरंगा उतारने का गुनहगार आखिर कौन है। 47 में जब दोनों देशों का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया। उसी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सोडा राजपूतों की 1,20,000 बीघा की जागीर है छाछरो। वही छाछरो जिसकी हवेली पर 71 की जंग में इजाइनेस जयपुर दरबार ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने तिरंगा फहरा दिया था। वही छाछरो जिसकी हवेली पर तिरंगा फहराने के लिए बलवंत सिंह बाकासर ने बगावत की बंदूक फेंक कर सिस्टम की बंदूक उठा ली थी। जी हाँ, वही छाछरो जहाँ के हिंदू युवकों ने 71 की जंग में ऊंट पर बैठकर भारतीय सेना के लिए रेगिस्तान में रास्ता बनाया था। वही छाछरो जो आज तक शिमला समझौते की त्रासदी झेल रहा है। इसी छाछरो हवेली के ठाकुर पाकिस्तान की पहली असेंबली के सदस्य थे। आज़ादी के बाद बनी संसद में भी छाछरो को प्रतिनिधित्व मिला था। बाद में जब ठाकुर लक्ष्मण सिंह सोडा ने हवेली की जिम्मेदारी संभाली तो वेस्ट पाकिस्तान से जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे और रेल मंत्री बने। उस इस्लामिक राष्ट्र में भी छाछरो हवेली के पास वह सब कुछ था जो होना चाहिए था। पाकिस्तान के बड़े बड़े रईस भी हवेली पर सलाम ठोकने आते थे। वहाँ के सब कानून और कायदे भी हवेली से ही तय होते थे। लेकिन बंटवारे की कसक को छाछरो भी नहीं भुला पाया। छाछरो के खून में बगावत की आग को वहाँ के हुक्मरानों ने भाप लिया था और इसके बाद वहाँ की सरकार से हवेली के संघर्ष की एक श्रृंखला शुरू हुई। छाछरो के साथ दिक्कत यह थी कि उसकी जमीन बेशक बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी दिल हिंदुस्तानी रहा। आज भी भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों के राजपूतों का रोटी बेटी का नाता है। बंटवारे के दशकों बाद भी हवेली का सामंजस्य का तस है। पाकिस्तान की राजनीति की तासीर बदलने लगी। वहाँ की कट्टरपंथी ताकतों को लगातार हवा मिल रही थी। जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे हुक्मरान सूखी रोटी खाकर भी सदियों तक भारत से जंग लड़ने का ऐलान कर चुके थे। ऐसे माहौल में ठाकुर लक्ष्मण सिंह सोडा को यह समझते देर नहीं लगी कि हवेली से यह रुआब जल्द ही छीन लिया जाएगा। 1969 से दोनों देशों के बीच तनाव शुरू हुआ। ठाकुर साहब पर सरकार ने जासूसी का आरोप लगा दिया क्योंकि छाछरो ठिकाने के राजस्थान के तमाम जागीरदार ठिकानों से बहुत बेहतर संबंध थे। ऐसे माहौल में ठाकुर लक्ष्मण सिंह सोडा ने छाछरो की हुकूमत छोड़ ऊंट पर सामान बांधा और हिंदुस्तान की ओर प्रस्थान किया। जब ठाकुर साहब ने वहां से प्रस्थान किया तो रोती विलखती छाछरो की जनता ने सरहद तक उनका पीछा किया। तभी वहाँ की मंगनियार महिलाओं ने विदाई गीत गाया, बोलिया चालिया माफ कर जियो महारा राणा रायचंद्रे। कल तक जो पाकिस्तान का हुक्मरान था वह आज राजस्थान आकर किसान बन गया, खेतीबाड़ी करने लग गया। तभी 71 की जंग छिड़ चुकी थी। कमान जयपुर दरबार ब्रिगेडियर भवानी सिंह के हाथों में थी। दरबार ने भी उस जंग के बीच एक मौका तलाश लिया। यहाँ समझने की बात यह है कि जयपुर दरबार छाछरो हवेली पर ही तिरंगा क्यों फहराना चाहते थे। अगर आप 71 की जंग में पश्चिमी कमान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों से लेकर मेजर कप्तान तक के नामों पर नजर दौड़ाएंगे तो मालूम चलेगा कि वह सब के सब किसी न किसी जागीर या ठिकाने से जुड़े राजपूत थे और सब के सब ठाकुर लक्ष्मण सिंह सोडा के करीबी अथवा सगे संबंधी थे। छाछरो के मुख्य मोर्चे पर भी 20 राजपूत इन्फेंट्री और जयपुर दरबार की ब्रिगेड ही लड़ रही थी। मजेदार बात यह है कि छाछरो पर अटैक करने से पहले ही जयपुर दरबार और लक्ष्मण सिंह सोडा के बीच बात हो चुकी थी। दरबार ने सोडा साहब को छाछरो हवेली पर तिरंगा फहराने का वचन दिया था। सोडा साहब के छोटे भाई खुद भारतीय सेना की तरफ से छाछरो लड़ने गए थे। दरबार ने युद्ध से पहले ही उनको सैन्य प्रशिक्षण दिलवाया था। उनके साथ उनके परिवार के कुल 13 लड़ाकों ने भी सेना के साथ बंदूक उठाई थी। पिछली एक कहानी में मैंने बागी बलवंत सिंह बाकासर के बारे में आपको बताया था। बाकासर भी इसलिए ही सेना के साथ हो लिए थे क्योंकि उनका ननिहाल भी छाछरो ही था। सभी राजपूत वीरों का एक ही निशाना था, छाछरो की हवेली पर तिरंगा फहराना। जब भारतीय सेना पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट को नेस्ते नाबूद करते हुए छाछरो हवेली पहुंची तो वहां की जनता अपने विजेता राणा को देखकर भावुक हो गई थी और सबने मिलकर वहां तिरंगा फहराया था। ठाकुर साहब के कहने पर वहां के हिंदू युवकों ने भी ऊंट पर बैठकर सेना को आगे का रास्ता दिखाया था। अंततः छाछरो फतेह कर लिया गया था।
और ठाकुर लक्ष्मण सिंह सोडा को उनका खोया हुआ रुआब फिर से मिल गया था। लगभग 6 महीने तक छासरो हवेली पर तिरंगा लहराता रहा। छासरो भारत का हिस्सा था। जयपुर दरबार के प्रयासों से बाड़मेर से छासरो के बीच एक बस सेवा भी शुरू की गई थी। कुछ महीने बाद आदर्श विदेश नीति का गला फाड़ने वाली हमारी सरकार ने रिश्तों में जमी बर्फ पिघालने की कोशिश शुरू की। पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला पधारे। 2 जुलाई 1972 को जैसे ही शिमला समझौते के कागज पर हस्ताक्षर हुए तो छासरो हवेली से तिरंगा उतार लिया गया। दबे पांव ठाकुर लक्ष्मण सिंह सोडा वापस हिंदुस्तान आ गए। वह सब कुछ एक पल में धराशायी हो गया जिसके लिए उन रणबांकुरों ने विकट स्थिति में भीषण जंग लड़ी थी और छासरो अंततः भारत का हिस्सा नहीं हो सका। ठाकुर लक्ष्मण सिंह सोडा पाकिस्तान के सबसे बड़े खलनायक बन गए और वहां की सरकार ने ठाकुर साहब के ऊपर जिंदा अथवा मुर्दा पकड़ने पर 2 लाख का इनाम रख दिया। बोलिया रे चालिया गर जहां गुंजे गाज महारा शायर सोडा रे। दोस्तों, छासरों पर तिरंगा फहराने का यह ऐतिहासिक किस्सा आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।